छह नहीं आठ नहीं दस रन दीजिए इस शॉट को, इतनी दूर गई है गेंद एकदम स्लॉट में और पार्क किया पार्किंग लॉट में। नमस्कार, सुप्रभात पैराग दगड़ियो, मैं हूं लॉस्ट ट्रैवलर मनोज और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज है 31 दिसंबर का दिन, 2021 का लास्ट दिन, और आज हम जा रहे हैं अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए ऊपर, जहाँ के ब्लॉग में पहले बना चुका हूँ। आज है हमारा क्वार्टर फाइनल मैच, हम जा रहे हैं हड़वाड़, नौगर के पास पड़ता है, तो दिखाते हैं आपको कैसा होता है आज का मैच। कुछ साथी जा चुके हैं हमारे आगे, कुछ आ रहे हैं पीछे। तो ऐसा है आज का कुछ मौसम, एक दो दिन काफ़ी बर्फबारी हुई थी ऊपर की चोटियों में, देख रहे हैं आप हिमालय। और के महसूस करो बो दिलो, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हड़बाड़ के ऊपर। परसों जो है हम नीचे वाले रास्ते से गए थे, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा ही चढ़ाई है लास्ट में, लेकिन अब हमारा केवल 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। यहाँ से ही ऐसा है कि शुरू में थोड़ी सी चढ़ाई लगती है, लेकिन फिर उसके बाद सीधा सीधा है। ये वही रास्ता है जहाँ से हम बच्चेर वाला जो झरना है वहाँ से आते वक्त वापस आते हैं। तो सवेरे तो काफ़ी धूप थी, अभी फिर से बादल आने लग गए हैं, मौसम हल्का हल्का ठंडा वाला हो चुका है। अब गौरव और जो है राजेश पीछे ही हैं, बाकी सब आगे आ गए हैं। पर इस तरफ को थोड़ा क्लीन स्काई दिख रहा है, पीछे की ओर चीड़ के पेड़ पूड़े लगे हुए हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम फील्ड पर, और अभी सी टीम का मैच चल रहा है यहाँ पर, इसके बाद जो है हमारा मैच होगा। सी टीम की सेकेंड इनिंग चल रही है इस वक्त। ये यहाँ का छोटा सा बस्ती नहीं करें यहाँ पे। तो ये गए हमारे दोनों ओपनर सूरज और राजेश। हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है। पिछले वैसे मैं हेड मांगता हूँ ज़्यादा, लेकिन पिछले दो मैचों से टेल कर रहा हूँ तो कॉल कर रहा हूँ, तो फिर दोनों मैच में टॉस जीता है मैंने। देखते हैं आज का मैच जीतना है, उसके बाद सेमीफाइनल में होंगे हम सीधे। एक ओवर में 13 रन हुए अभी। पहले
शॉट है भाई। ओबे आराम से ले, आराम से। नहीं है वो, बहुत दूर है। अब संतोष का जोश खत्म हो गया। शॉट है यार, शॉट है। शॉट है भाई, दो ओवर 40 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। आज छक्कों में ही डील हो रही है। नुकसान के तीसरे ओवर पर गति को इस बार अपने कोटे का दूसरे ओवर लेके रील्स इस बार अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाजी में राहुल महाराज 26 रन सूरज बल्ले का लीड रोका और हल्के से तीन ओवर की समाप्ति के बाद कंसारी का विकल्प स्कोर 53 रन आ सके। सबसे तेज गति से स्कोर यहाँ पर कंसारी दे रहा है। किसकी तरफ हो, किसे सपोर्ट कर रहे हो, कौन सी टीम की तरफ हो तुम? हम नौकर नौकर की टीम ना यार। बढ़िया बढ़िया, सही खेल रहे हो यार। अरे दिखे नहीं ला रहा यहाँ पर। गगन चुंबी रफ्तार लाइन लाइन छोड़ दी थी। ना बोली कंपनी छह रन शुरू बोर्ड शॉट पिछड़े में चार रन। और क्या है, किधर गया? सब मिली नहीं, तुम मेरे बात में इग्नोर कर भाई। क्यों छक्का चौका है।
आप बोल रहे सही हो ए बढ़िया बढ़िया सौ रन हो चुके हैं फिर यहाँ पर अभी टीम के गेन है छह जान हो चू बस 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 आप देखना कितना दिल शहर में नहीं विकेट कीपर करो बिना हेलमेट के ना खेल मर जाल भाई वहां को स्पिनर उम्र नहीं करो अरे बहुत लाल मार्ट विकेट चू भाई वहाँ वहाँ विकेट कीपर 90% बॉल विकेट कीपर नहीं पकड़ पाना वो तो तेज गति से रन बनाने वाली टीम कंसारी घोषित हो चुकी है 6-4 रन बना चुकी है कंसारी 6 ओवर 104 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के कमल अपने कोटे का दूसरा ओवर सूरज के लिए बार गेंद अच्छी कर सकते हैं बल्ले का निचली हिस्सा यहाँ पर तकरार जीत भी करते एक खतरा है चला यहाँ पर यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाजी द्वारा अपने जोड़ी को तोड़ना होगा नहीं तो 200 का आंकड़ा आराम से पार कर सकती है आज कंसारी कमल चले पूरी डायरेक्ट गेंद गेंद और बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा थोड़ी गड़बड़ है 30 गेंद पर जोर से आ आज कमल चले फिर से सूरज के लिए शॉट है भाई छक्के छक्के यार खेल गए 6 रन के बढ़िया पूरा छक्का यहां पर कराए गए ठीक है गेंदबाजी द्वारा की आज इस टूर्नामेंट में बने रहे ऐसा कोई भी स्वामी ओपनर बल्लेबाज लेकिन आज कंसारी ने दिखा रखा की हम दोनों स्वामी बल्लेबाज पूरी धोनी लेवन के टीम में भारी पड़ जाएंगे और भारी पड़ भी रहे हैं इस बार अच्छी गेंद इस बार बल्ले के ऊपर इस समय वहां पर कोई फील्डर नहीं दो है दो दूसरे रन के लिए राजेश ने मना किया अच्छा राजी बाउंड्री राहुल भाग रहे हैं आसानी के साथ एक बच्चे ले चले सूरज के लिए इस बार अच्छी गेंद देखो सूरज के दिशा में चले यहाँ पर भी मौजूद बोला दो अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है टाइम बीत नहीं रहा है उसके टाइम बीते हो चुके हैं इस बार गेंदबाजी लेग स्टंप से बाहर अंपायर अमित नारायण व्हाइट और एक लेग बाय के रूप में इन दो अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन बिना कोई नुकसान के विरोध पर रन छूटे हैं होते जा रहे हैं इस बार हल्की सी अपील लगी अंपायर अमित नारायण आसान अरे अरे कैच ड्रॉप राजेश और मनोज इस बार अच्छी गेंद बल्ले का मुंह मेरा और दूसरा इस दिशा में वापसी करते हुए गेंदबाजी में सामने करके राजे इस बार शॉट भी अच्छी गेंद पूरी सी गेंद
उसका खाने पहली गेंद पर पहला छक्का उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ये देखो दूर दूर से दर्शक भी आए हुए हैं आज। कोई खास संपर्क देखने को मिला अगर यह छक्का मारते तो उनके हैट्रिक हो सकती थी और राहुल देखने को नहीं मिल रही है। धोनी लेवल टूर्नामेंट 66 तो हो ही गए थे इनके टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और खड़े हुए हैं धोनी के गेंदबाजी के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद ग्राउंड शॉट कर सकते हैं गेंद स्टेट की दिशा की ओर लग चुके हैं। हर बार अपने कोटे का पहला ओवर लेके टीम का 11 ओवर लेके राजेश के लिए 60 गेंद लेकिन गेंद टप्पा खाकर काफी नीचे रही अंतिम क्षणों में बल्ले का घूम मोड़ा और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और यहाँ पर दोनों भाई के बीच कुछ तालमेल खराब होता है और गेंदबाजी देखने को नहीं मिल रही है। धोनी लेवन के गेंदबाजी जा रहा है इस बार फुल डायरेक्ट गेंद उसके नीचे टिंडर राहुल और एक आसान से गेंद यहाँ पर रवि ऑन पे छोड़ा काफी बेकार फील्डिंग कर सकते धोनी लेवन। हड़ताल चलो फिर से राजेश चलो क्यों हड़ताल की हड़ताल इस बार अच्छी गेंद स्टंप गेंदबाजी लेकिन राजेश एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर के अग्रसर कर चुकी है और यहाँ पर अच्छी स्कोर के अग्रसर हो चुके हैं। अभी काफी ओवर बाकी हरपाल चले मनोज के लिए इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर ठीक बल्लेबाज के ठीक सामने लगे हुए राम सिंह अलिया राजेश इस बार स्वागत खेला था तुझे पहली गेंद को इस बार अच्छी गेंद तू स्वागत खेल रहा था जो की दिशा में फैल की दिशा में उसके नीचे कोई फील्डर नहीं आसानी के साथ एक रन चुराया गेंदबाज के रूप में इस बार अच्छी गेंद गेंद को फील कर गए स्टेट की दिशा में वहां पर जब तक फील्डर फील करते अच्छी फील्डिंग है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार डायरेक्ट गेंद मुझे रन लेने का कोई मौका नहीं अच्छी बल्लेबाजी राजेश और इस बार अच्छी गेंद गेंद को खेल गए उसके नीचे जिनकी निगाहें मैदान में टिक चुकी है हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद गेंद को फील कर रहे हैं ऑफ साइड की दिशा में चार रन अरे लेके सामना करेंगे राजेश भाई वो कभी कभी ढूंगा में लगे नहीं चेंज होने बोल आज काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली ओल्ड 11 के फील्डरों द्वारा चार कैच ड्रॉप किए अगर चार कैच ड्रॉप नहीं करते तो चार विफलताएं मिल सकती थी एक दबाव बना सकती थी कंचारी को लेकिन कंचारी ने ऊपर से दबाव धोनी 11 के ओल्ड 11 के ऊपर दबाव बनाए लिए ये बात की करो ये इसकी करो ये वहां करो होंगे हाफ सेंचुरी पूरा करके राजेश नॉन स्ट्राइक पर होंगे मनोज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है कंचारी के बल्लेबाजी द्वारा एक विकेट खो चुकी है लेकिन वह तो फर्स्ट विकेट था उसने भी हाफ सेंचुरी पूरी की अपनी एक अच्छा स्कोर खड़ा करके मनोज के ऊपर दारमोदार दिया हरपाल चले इस बार अच्छी खेल उठाकर कैसे खेल गए अब शॉर्ट में जान नहीं होने रहे एक विकेट के नुकसान पे केले चाहिए केले अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और बेकार आसानी के साथ एक रन चुराया फील्ड करते आसानी के साथ दोनों भाइयों ने तीन रन लिए कभी लेट थोड़ा भाई नरेश तो नहीं खेलने वाले और फिर उत्तर साल आए हैं ओल्ड 11 के काफी लेट रन की वापसी की हुई है। हेलो उनका काम चले राजेश के लिए और सबसे काफी बार उनको साथ इतना खर्चा हो ही गया तो उसे भी बॉलिंग दे दो ये छक्का लगो ये चरण है चरण चरण
राजेश 78 रन पे खेल रहे हैं। 78 14 ओवर की गति पे है। हाँ 50 लेट में बनाए ना उसने। इसके बाद सॉरी कहा है। शतक पर आ गया भाई, शतक। अरे रन हो जाते भैया 2 यार। पहल पकड़ है रे। ओ थैंक पहली सेंचुरी जो बना था इस टूर्नामेंट की। पहले हम लोग पहले कोप अरे हो जाते हैं रन क्यों नहीं ले। अरे आगे मेरे पास तो आया था, मैंने बोला था सही उससे नहीं है। पता नहीं क्या है भैया लोगों का। दो रन मिलेंगे सौभाग्यपूर्ण मौका। श्री धनी राम धोनी जो की छाई से बिलोंग करते हैं 100 रुपए की धनराशि, 150 रुपए की। श्री नंदन सिंह राणा एक्वा तलके का धोनी ग्राम सभा 100 रुपए की धनराशि। रुद्र सिंह सर हरिद्वार अदा करती है और फिर से मैदान पर मैच शुरू होता हुआ मनोहर अपने कोटे का पहला ओवर लेते। इस बार ठीक है जब तो ठाकर खेले जाते थे लेकिन सचिन त्रिपी दिशा में गए बॉर्डर लाइन की ज्यादा धनराशि हुई उससे आओ पिछले बाद टूर्नामेंट हुए थे तो काफी गति देखने को मिली थी। मोचारी के खामोश मनोज चले अंपायर जीवन को पार किया सामना करके उतने बल्लेबाज हो गए तो आगे खेला जाते थे पहली लेने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। मनोज चले अंपायर जीवन को पार किया फिर से गेंद के लिए गेंद और बल्ले का कुछ नया संपर्क देखने को बता दूं कि अगर डॉनी लेवर अगर हारती है तो यह टूर्नामेंट से काफी दूर हो जाएगी दर्शक की भांति स्थल बैठी रहेगी यहाँ पर। गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं टीम का पहला ओवर लेके आए हैं कच्ची अच्छी गेंदबाजी देखने को नहीं मिली अभी तक क्रिक पर कंट्रोल बाहर ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल भी खड़े हुए धोनी स्नाइपर आनंद सिंह नयाल की गेंद समझ की बात गेंदबाजी यहाँ वो दिशाहीन गेंदबाजी के बाद अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गौरव द्वारा सामना करेंगे जगत क्योंकि कैदी का भार भी संभाले हुए हैं आज इस बार अच्छी गेंद लेकिन और सबसे काफी कर रहे हैं और सबसे काफी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं जगत के लिए फिर से गौरव चले बाहर अच्छी गेंद एक वाइट पैन के बाद अब तक का अच्छा गेंदबाज गौरव चले फिर से सामना करके जगत इस बार जगत उठाकर खेला जाते थे लेकिन भी इसी प्रकार 182 रन का टारगेट ओल्ड 11 के ऊपर रखा गया था
इस बार अच्छी गेंद वो हुक कर दिया है, इस बार अच्छी टाइमिंग कर सकते हैं, बाउंड्री की दिशा की ओर दंदराती हुई जा रही है, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, चौपर फील्डर फील्ड करते हैं आसानी के साथ, जगत ने दो रन चुराए इस दो रन के साथ, 41 बॉडी लोन भी कर सकते हैं 8 रन बिना कोई नुकसान के, दूसरा ओवर प्रगति पे है। अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रही थी उसी प्रकार की गेंदबाजी भी कर रही है, सभी गेंदबाज तेज गति के लेकिन फिर से होल्ड 11 के ओपनर बल्लेबाज आनंद सेटिंग का भार संभालते हुए काफी लंबा रन गौरव का अपने घोड़े का पहला ओवर लेकर है, टीम का दूसरा ओवर लेके सामना करेंगे आनंद गौरव के लिए, फिर से इस बार दिशाहीन गेंदबाजी और चंचल की गेंदबाजी में अच्छी गति है लेकिन नियंत्रण कुछ खास देखने को नहीं मिला है आनंद के लिए, फिर से इस बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी बाद जगत और आनंद नयाल जी मैदान पर टिके हुए हैं, गौरव चले जगत के लिए, इस बार अच्छी गेंदबाजी खूबसूरत गेंद एक दिशाहीन गेंद, मनोज अपने घोड़े का दूसरा वो लेके आए सामना करेंगे आनंद समझ नहीं पाए सीधे विकेट कीपर के स्थान पर भाई लेने का कोई मौका नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मनोज सारा आज अच्छी बल्लेबाजी भी की, उन्होंने राजेंद्र का साथ निभाया, 182 रन बनाए, 184 रन का टारगेट ओल्ड 11 के समझ पे रखा हुआ, इस बार फिर गेंद समझ नहीं पाए और अंपायर का सवाल मात्रा में दर्शक यहाँ पर मौजूद है लेकिन बल्लेबाज निराश हो रहे हैं, भगवत इस बार भगवत जी गए फील्डर और भगवत जी बॉल निकलने के मंत्री डॉनी लेवन के बार फिर भागर खेला जाते थे लेकिन ऑफ से काफी बाहर अंतिम छोड़ों में दबाव बढ़ता ही जाएगा, प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, इस बार ऊपर जाएगा बॉल गए जिनकी भैती खड़े हैं, इस बार समझ नहीं पाए उठाकर खेला जाते थे लेकिन मनोज भाग है मनोज चले फिर से भगवत के लिए बार हल्की सी अपील स्ट्राइक पर खड़े हैं भगवत बार दिखाई गेंदबाजी लंच से लगा चुके हैं मनोज चले फिर से भगवत चले इस बार अच्छी गेंद भगवत ने हल्के हाथ से कहते थे अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंद का सामना करेंगे उठा कर खेल रहे हैं कैच रहे जग्गू फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर है गेंद का सामना कर रहे हैं इस बार डायरेक्ट गेंद गंदे का ऊपरी हिस्सा दिखाने बॉल नहीं दिखाने मनोज चले भगवत चले इस बार सभी का दी गेंद कैसे चालू खेल रहे हैं बॉल बाउंड्री की साइड की ओर सर हम काफी खूबसूरत चल जाएगा मनोज चले रोक करे फिर उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अवसर से काफी बाहर एक छक्का खाने के बाद दिशाहीन बल्ले गेंदबाजी कर सकते हैं अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर भगवत को और उनका साथ अच्छी तरह निभाना होगा आनंद को इस बार स्ट्राइक हो गया आनंद इस बार गेंद डायरेक्ट गेंद की पुल कर दिया है स्ट्राइक हो गया आनंद और बल्लेबाज उठाकर फिर खेलना चाहते थे लेकिन तो कुछ भी बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि काफी लंबा टारगेट रखा हुआ है बाहर समझ गए थे मनोज मनोज भूरी गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज बाहर डायरेक्ट गेंद हल्के हाथ के खेल रहे हैं फाइनल की दिशा में इस बार दिशाई गेंदबाजी और चंदे काफी बार और चंदे काफी बार सभी गेंदबाज अच्छी गति के गेंदबाज है कर्मचारी के लेकिन दिशा और लेंथ में गेंदबाजी करने में कुछ लगाई गई है दबाव उड़ाने के लिए भगवत के ऊपर
इस बार फिर भी साइन गेंदबाजी जगह तो जो कि पवन जी ने बैठे हुए हैं, कैटरिंग का भी भार संभाला हुआ है उन्होंने। यहाँ पर जो भी दर्शक चाय पानी करना चाहे, नाश्ता करना चाहे, तो जगत के कैंटीन से सारा कुछ फिट ऊपर हमारा किसी हलवार इस बार फिर उठाकर के लगा देते, लेकिन समझ नहीं पाए गेंद। सागर चले इस बार अच्छी गेंद, लेकिन और से काफी बार काफी खूबसूरती के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों अंपायर जो कि धोनी ग्राम से बिलोंग करते हैं। बहुत चलो फिर अच्छी गेंद आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में बहुत का मुंह का मुंह लगातार दो तृत देने के बाद अच्छी वापसी यहाँ पर। फिर से स्ट्राइक पे होंगे आनंद और धोनी स्ट्राइक पे होंगे भगवत। इस बार अच्छी गेंद लेकिन अच्छी है, लेकिन नियंत्रण पर ध्यान देना होगा सागर को। आनंद जी ने फिर से इस बार उठाकर के नजर आते थे, लेकिन बल्लेबाजी चला ऐसा फाइनल की दिशा में वापस फील्डर मौजूद ओल्ड इलेवन के बल्लेबाजी के रूप में। इस बार गेंद को फिर खेल दिया फाइनल की दिशा में, दो रन सागर चले नाथागढ़ के भगवत। इस बार अच्छी गेंद, गेंद तो हुक कर दिया है मिड ऑन की दिशा, विकेट हो चुका है जगत के रूप में। राजेश चले इस बार पहली गेंद, वो तेज गति से खेल रहा है या गेंद को सिंगल डबल लेगा, तो वही राजेश ने भी अपनाई पहली गेंद और स्लो कर दिया अंतिम क्षणों में। बोल अच्छी गेंद और लाइन ऑफ लेंथ काफी खूबसूरत, इतनी अधिक तारीफ और इतनी कम है। और विकेट कीपर क्लोज होते हुए और फील्डर की बात करें तो पंचारी के काफी नजदीक झगड़े हुए ओल्ड इलेवन को। अच्छी गेंद फिर चतुरता के साथ गेंदबाजी, गेंद और बल्ले का संपर्क खास नहीं हो पा रहा है। इस बार उठाकर खेल गया है लेकिन खूबसूरती के साथ दो रन प्रयास यहाँ पर हरपाल द्वारा, अच्छा प्रयास कह सकते हैं हम, एक विकेट ले चुके राजेश। इस बार फिर दिशाहीन गेंद मारते हैं हरपाल के लिए। इस बार शॉट भी कर दीजिए उठाकर खेल दिया गया तो बाउंड्री लाइन के पास छह रन और पांचवी बल्लेबाजी यहाँ पर हरपाल द्वारा राजेश के ऊपर एक छक्का लगाया। गेंद फंसाकर ऊपर कुछ नहीं और गेंद बल्ले का अंतिम छोड़कर रेड कम से कम रखना होगा उन्हें। गारंटी गेंद समझ नहीं पाए पूरी की थी, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था 66 रन बना के हुए थे। और इस बार अच्छी गेंद, उसके नीचे संतोष गुरबाली खड़े, जब तक संतोष फील्ड करते हैं अच्छा थ्रो यहाँ पर संतोष द्वारा, काफी बार बल्लेबाज यहाँ पर संतोष को माना गया है। इस बार अच्छी गेंद फिर रुक कर दिया धोनी की इलेवन के फील्डर थे जो काफी आलसी महसूस दिखाई दे रहे थे आज, और काफी फूर्ति दिखाई दे रही है आज कच्छारी के फील्डरों द्वारा। संतोष की तारीफ करनी होगी, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑन पे। इस बार अभी हाफ सेंचुरी भी लिखी गई थी, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड आज तोड़ा गया। इस बार अच्छी गेंद समझ नहीं पाए हरपाल, टप्पा खा के गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सूरज द्वारा सूरज चले इस बार साइड गेंदबाजी क्योंकि धोनी प्रथम से को आठवां ओवर पर गति पे है, रन रेट कुछ खास नहीं, तेज गति से रन करने होंगे क्योंकि 10 ओवर के बाद तो खुद ब खुद दबाव हो जाता है। इस बार सागर खेला जाते थे यॉर्क लेंथ की गेंद, गेंद और बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं, टारगेट काफी लंबा 183 रन पर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर ओल्ड इलेवन के ऊपर अलविदा के ऊपर। अगर हारते हैं तो कल से दर्शक की भांति जिस प्रकार हम बैठे हैं उसी प्रकार बैठे रहेंगे। हल्की सी अपील, लेकिन खिलाड़ी उसमें 40 साल से ऊपर के हैं, राजेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब इस बार हरपाल के लिए 69 रन के स्कोर में पहुंच चुकी है आठवां प्रगति पे। सामना करेंगे राजेश की ऑफ स्पिन का, राजेश चले राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद हरपाल के लिए हल्के हाथों से। अब सामने होंगे भगवत, भगवत के लिए गेंद हल्की सी, राजेश चले ओवर द विकेट से गेंद भगवत के लिए, नवा ओवर लेके हरपाल के लिए गेंद, राजेश चले अपन को पार किया और
आपको खेल दिया है सीधे दर्शक दीर्घा में चरण बल्लेबाज भगवत हरपाल इनका टिकट चलना जरूरी टीम के लिए और यहाँ पर और दो रन के साथ कोटा पहुंचा चले सामने होंगे हरपाल हरपाल के लिए गेंद थोड़ी सी पटरी लटकी गेंद गेंद उछाल पड़ती है सीधे विकेट कीपर कमल के हाथों में चले राइट आम ओवर में गेंद गेंद हरपाल के लिए दूर से पटके लटकी गेंद और गेंद को खेल दिया सीधे हरपाल के लिए गेंद एक और पटके लटकी गेंद लेकिन रन ले बता देते हैं हरपाल प्रगति पे सूरज चले राइट आर्म ओवर विकेट से हलबार चोट से छोटा सा रन अप पैदम इसको पार किया एक हरपाल के लिए और एक बार और गेंद आयल जब बोलोगे सूरज की तरह तो जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी रन बनाए सूरज चले अब सामने होंगे भगवत भगवत के लिए गेंद कम बात इस्तेमाल करके सूरज चले ओवर निकट से सामने होंगे भगवत और गेंद का राजेश राइट आर्म ओवर विकेट से अब सामने होंगे प्रयास के बल्लेबाज फिर गई है और आगे खेला गेंद को टीमर के बाहर चरण उसके साथ ही बल्लेबाज राहुल दो छक्के लगा चुके हैं ऐसी कुछ बड़ी शॉट की जरूरत टॉनी को मनोज ले सामने होंगे हरपाल के लिए गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल भर गई गेंद सामने होंगे हरपाल हरपाल के लिए गेंद मनोज ले राइट आर्म ओवर खेल टॉस बनाई गेंद को फील्डर डाउन द ग्राउंड उसके पीछे फील्डर जब तक फील्ड करते आसानी से एक रन इसी एक रन के साथ एक जोरदार पहुंचा मैच जीतना होगा तो सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर एक युवा खिलाड़ी अपनी टीम से मनोज राहुल हल्की पर मनोज द्वारा मनोज चले राइट आर्म ओवर से अमल बार छोड़ दे सामने होंगे राहुल राहुल और चाहिए धोनी को अगर आप मुकाबला जीतना है तो उसके लिए हरपाल को बड़े शॉट खेलने की जरूरत है जो कि सेट हो चुके हैं आपकी बड़े शॉट खेलने हमारे सूरज गेंदबाजी में थोड़ी सी परिवर्तन है सूरज अपने गोटे का तीसरा ओवर टीम के लिए तेरहवा ओवर लेके सामने होंगे राहुल थोड़ी देर आई टाइम ओवर राहुल के लिए और और मात्र एक रन से खुश होना पड़ेगा जरूरत बल्लेबाज हरपाल ही कर सकते हैं मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाती हुई धीरे धीरे दोनों हाथों से मजबूत करती फाइनल कंचारी जो की सेमीफाइनल की दावेदारी कर चुकी है कर चुकी शायद अब वो मुकाबला जीत सकती है धोनी धीरे धीरे इस टूर्नामेंट से बाहर और विकेट राहुल के बल्ले पर उम्मीद जगाए हुए है राहुल और हरपाल
अपना चोर बदलते हुए सामने होंगे दाया से बल्लेबाज राहुल दो के तीन छक्के लगा चुके और पहली गेंद कप्तान अच्छा खासा अनुभव इस फील्ड का बल्लेबाजी करनी थी आज कप्तान को जिम्मेदारी लेनी थी और पहली गेंद खाता खोला वाइट वाइट तो गाइस मैच जीत चुके हैं हमने बनाए थे 183 या 184 रन और उन्होंने बनाए 127 रन और इसी के साथ जो है हमने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब देखते हैं सेमीफाइनल हमारा किसके साथ होगा। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर, बहुत दूर से आए हैं, थक के हालत खराब हो गई है, पसीना भी हो गया है और करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बहुत जल्द हम सेमीफाइनल मैच लेके आएंगे आपके लिए सीधे हरबार से। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय और एडवांस में इंग्लिश नए साल की शुभकामनाएं आपको।